अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। हमें अपनी ज़िंदगी में हर चीज़ बेहतरीन चाहिए होती है। वी वॉन्ट द बेस्ट इन आर लाइव्स, द बेस्ट स्पाउस, द बेस्ट एजुकेशन, मोस्ट कंफर्टेबल होम, द बेस्ट कार, बेस्ट करियर, एंड फॉर व्हाट? हैप्पीनेस। वेल, द रियलिटी इज़ दैट हैप्पीनेस इन लाइफ हैज़ नथिंग टू डू विद दीज थिंग्स। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च हुई थी हैप्पीनेस पे, व्हाट क्रिएट्स हैप्पीनेस इन पीपल्स लाइफ, और उन्होंने अपने कुछ ग्रेजुएट्स को 30 साल तक ऑब्जर्व किया, उन्हें फॉलो किया, एंड देयर कंक्लूजन वाज वेरी इंटरेस्टिंग। दे सेड दैट इट वाजंट द डिग्री दैट मैटर्ड, इट वाजंट द करियर दैट मैटर्ड। पीपल दैट रिपोर्टेड बीइंग द हैप्पीएस्ट वर द पीपल हु हैड मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स इन लाइफ। So your success in life depends on your ability to create meaningful relationships in life. Aur jab insaan mein ye ability hoti hai, it means that you have emotional intelligence. Sawal ye paida hota hai, whom should you have the most important relationship with? Allah subhanahu wa ta'ala. So how is your relationship with Allah? There are many ways of gauging that. जब हम ये दावा करते हैं कि फ़लाँ शख्स से मेरे ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, व्हाट डज दैट मीन? इसका मतलब ये होता है कि यू गो आउट ऑफ योर वे टू प्लीज हिम, राइट? यू वांट टू गिव हिम द बेस्ट पार्ट ऑफ योरसेल्फ। एवरीथिंग दैट यू डू हैज़ टू बी द बेस्ट। उसको बेहतरीन तोहफे देना, क्वालिटी टाइम देना। एवरीथिंग दैट यू डू रिवॉल्व्स अराउंड प्लीजिंग हिम और हर। जब हम कहते हैं कि मेरा बेहतरीन ताल्लुक अल्लाह से है, तो हम इस ताल्लुक को बेहतर बनाने के लिए क्या कर रहे हैं? बुखारी में एक हदीस है जहाँ पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ आमाल का ज़िक्र किया जिसकी वजह से जन्नत के ख़ास दरवाज़ों से अंदर बुलाया जाएगा। मिसाल के तौर पे, ही हु इज़ अमंग्स दोज हु प्रे, गेट ऑफ द प्रेयर। He who is from the people of jihad, the gate of jihad. इसी तरह से charity, इसी तरह से रोज़े, तमाम तर आमाल के लिए मुख्तलिफ दरवाज़ों से बुलाया जाएगा। अबू बकर रदी अल्लाह अन्हु, उन्होंने पूछा कि क्या कोई शख्स ऐसा होगा जिसे इन तमाम दरवाज़ों से बुलाया जाए? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, और मुझे उम्मीद है कि तुम उन्हीं में से होगे। Now this is a true example of someone struggling to have a sound relationship with Allah subhanahu wa ta'ala. Unhe tamam darwazon se jaane ka kyun khayal aaya? Abu Bakr har neki ke kaam mein pehal karte the. His question is showing how eager he was to reach that excellence in his relationship with Allah subhanahu wa ta'ala. Aksar log ek ya do tarah ki nekiyon mein bahut zyada behtar hote hain dusron se, but Abu Bakr wanted to excel in all. Why? देखे, objective क्या है? जन्नत में पहुंच जाए। Does it really matter कि कितने दरवाजों से बुलाया गया है? लेकिन उनके लिए, क्योंकि अल्लाह से ताल्लुक सबसे अहम था, therefore he wanted the best. So you see, to be ambitious in neki, it's a mizaj. And this is what reflects true connection with Allah subhanahu wa ta'ala. And once you have this sound relationship with Allah, then something amazing happens. All other relationships automatically start having meaning. It's literally mind-boggling. जब हम अपना ताल्लुक अल्लाह से बेहतर करते हैं, तो लोगों से ताल्लुक खुद ब खुद बेहतर होने लगता है। और बहुत से लोग तो ये कहते हैं कि उनके इर्द गिर्द के लोगों में भी बेहतरी आने लगी है, just because they now have a very strong relationship with Allah. जब हमारा अल्लाह से ताल्लुक बेहतर होता है, तो खुद ब खुद लोगों से ताल्लुक बेहतर होने लगता है। You can literally see the strength of your relationship with Allah subhanahu wa ta'ala through your relationships with people around you. So you see, the true model of happiness, it begins with a very strong connection with Allah subhanahu wa ta'ala.